गाइस हेलो हाय सत नमस्ते आई होप आप सब लोग ठीक होंगे स्वस्थ होंगे आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फोर इनबन में वेलकम है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी एक्चुअली मैंने आज सुबह कुछ नाश्ता नहीं बनाया मैं आज सारा काम जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ और मैंने मतलब खाना जल्दी ही बनाया था मैं यहाँ पर लौकी कट कर रही हूँ मैंने यहाँ पे एक कप दाल लिया हुआ है चने का उसको मैं अच्छे से वॉश करके मैंने ये भिगो के रख दिया अच्छे से फूल के दाल रेडी हो जाएगा और एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा लौकी था बट वो कम था तो मैंने इसके लिए कद्दू ये लौकी और दाल का सब्जी बनाया था बहुत ही स्वादिष्ट बना था ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी आई होप आपको पसंद आएगा मैंने कुकर लिया है उसमें मैंने ऑयल ऐड किया ऑयल में काली मिर्च लौंग जीरा एक पिंच हींग मैंने ये सब यहाँ पे ऐड कर दिया स्लो गैस पे हम इनको थोड़ा थोड़ी देर के लिए पका लेंगे मैंने यहाँ पे जिंजर फाइन चॉप किया हुआ ग्रीन चिल्ली गार्लिक ऑनियन इन सब को भी हमें यहाँ पे ऐड कर देना है लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक दो तीन मिनट के लिए पका लेना है और ये दाल लौकी का बहुत ही हेल्दी है और स्वादिष्ट भी बनता है आप ज़रूर से बनाइएगा आपको पसंद आएगा मैंने यहाँ पे ऑनियन पक चुका था मैंने टमेटो ऐड कर दिया है और यहाँ पे अभी कुछ मसाले ऐड करेंगे हल्दी पाउडर रेड चिल्ली पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर स्वाद के अनुसार सॉल्ट और इन सबको अच्छे से पका लेना है पेस्ट बना के हमको यहाँ पे रेडी करना है ये दाल बहुत ही स्वादिष्ट बना था इसे आप राइस के साथ खा सकते हो चपाती के साथ खा सकते हो अभी इसमें अपना लौकी ऐड कीजिए और ये जो दाल हमने रेडी करके रखा था ये इसमें ऐड कर देंगे ऑलमोस्ट मतलब मैंने भिगो दिया था अच्छे से फूल चुकी थी मैंने इसमें अभी ऐड किया है इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से और आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए मैंने लगभग यहाँ पे एक गिलास पानी ऐड किया होगा और कुकर में तीन सीटी के साथ हम इनको पका लेंगे इस दाल को ये बहुत ही स्वादिष्ट था मेरे बच्चों ने भी खाया था उनको भी ये पसंद आया था आप जरूर से बनाइएगा आपके घर में सब लोग इसे खाना पसंद करेंगे और ये बहुत ही हेल्दी है दाल के साथ सॉरी राइस के साथ भी इस दाल को आप खा सकते हो देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ ये लुक एट दिस और इसमें अभी मैं हरा धनिया ऐड कर दूंगी कर लीजिए इसको अच्छे से मिक्स और हमारा लौकी दाल बन के रेडी हो गया है अभी हम इसको कर देंगे सल्प साइड में और मैं यहाँ पे फटाफट से रोटी वगैरह सब बना के रेडी कर लूँगी एक्चुअली मुझे जल्दी सी लंच बना के यहाँ कंप्लीट करना है किचन का काम देखिए मैंने सल्प कर लिया है एट दिस अब ज़रूर से बनाइएगा बहुत ही हेल्दी दाल है ये राइस भी पक रहा है भिंडी का मैंने सब्जी भी बना के रख दिया है और दाल का भी सब्जी बन गया यहाँ पे मैं आटा लगा लेती हूँ उसके बाद हमारा फिर लंच हम लोग लंच करेंगे मैं यहाँ पे आटा लगा के रेडी कर लूँगी और बच्चों का स्कूल नहीं था बट प्रतीक का कंप्यूटर क्लास था देखिए यहाँ पे मेरा राइस भी आटा भी सब कुछ रेडी हो चुका है फटाफट से मैं फुलके बना लूँगी मेरे बच्चों को चपाती खाना उनको बहुत ही पसंद है राइस वो कम खाते हैं चपाती खाना ज़्यादा पसंद करते हैं अगर मैं उनको साथ में राइस दे दूं और चपाती पहले दोनों चपाती ही खाएंगे राइस थोड़ा सा बाद में खाते हैं वो दोनों देखिए फुलके यहाँ पे बन के रेडी हो गए गरम गरम मैं उनको सर्व कर दूँगी उसके बाद होगा प्रतीक का कंप्यूटर क्लास है आज उसका बहुत ही इजी है ये सब इस तरीके से आप दाल बनाइएगा और गर्मा गर्म रोटी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये देखिए अब मैं यहाँ आज का थाली सर्व कर लूँगी सैलेड लिया है राइस और ये मैंने आलू भिंडी का सब्जी बनाया था और ये लौकी और दाल और ये गरम गरम फुलके दिस कितना अच्छा और हेल्दी थाली है ना तो आप जरूर से ही बना सकते हो जरूर से बनाइएगा आपकी फैमिली में सबको पसंद आएगा और मिनटों में बनके रेडी हो जाता है इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और मैंने यहाँ पे ढेर सारा सैलिड लिया है हमारी हेल्थ के लिए सैलिड अच्छा रहता है उसके बाद मैंने दो तीन काम किए थे घर के फटाफट से मैं हाँ पे कपड़े एक्चुअली धो दिए थे मैंने सुबह ही बट मैं इनको अभी डाल रही हूँ बच्चे क्लास करने बैठा बैठे हुए हैं लक्ष्य अपना पढ़ाई कर रहा है मैं यहाँ पे फटाफट से डाल दूँगी कपड़े धुल चुके थे सुबह ही बट ये ये ना कि मतलब मैंने पहले खाना बनाया था मैं इसलिए लेट हो गई थी बट यहाँ पे बहुत अच्छा धूप है हवा भी तो ये तीन चार घंटे में ही जाएंगे कपड़े घर का कितना ही काम कर लो कभी घर के काम ख़त्म नहीं होते हजारों काम रहते हैं घर के सुबह शाम तक मैं लगी ही रहती हूँ कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ काम मतलब निकल ही आता है घर में और यहाँ पे लक्ष्य अपना पढ़ाई कर रहा है दोनों भाई प्रतीक का कंप्यूटर क्लास चल रहा है मैंने कपड़े सब अपने डाल दिए हैं कंप्लीट हो गए हैं और मैंने सारे बर्तन भी वॉश करके रख दिए थे लंच वगैरह सबका हो चुका है तो अभी मैं इनको सब कुछ जगह पे लगा दूंगी बहुत सारे बर्तन थे क्योंकि खाना बनता है इतना सारा चार बर्तन एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं और सबने हमने फिर लंच भी किया था मैंने यहाँ पे चेंज भी कर लिया था वो ड्रेस काफ़ी टाइट हो रहा था तो मैंने इसके लिए लंच वग़ैरह करके वो चेंज कर लिया तो उसके बाद मैंने अपने सारे काम किए थे मैंने गैस वगैरह के सारे बर्तन धुल डाले बहुत सारे बर्तन थे मैं इसको पोच के अच्छे से मैंने सारा किचन यहाँ पे क्लीन किया है खाना बनाने के बाद देखिए मैंने सारा यहाँ पे क्लीन कर लिया ये और मैं आपसे कह रही थी ना मेरे बच्चों ने दाल के साथ रोटी ही खाना पसंद किया था मैंने ये राइस मतलब बच गया था मैंने उनका उठा के रख दिया था ये और मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उनके लिए राइस लिया है ये जो बूरा होता है शक्कर पाउडर मैंने इसमें ये ऐड किया मैं इसमें ऊपर से घी ऐड कर दूंगी और मैंने मिक्स करके दिया था ये भी काफ़ी हेल्दी होता आप अपने बच्चों को दे सकते हो मेरे बच्चे तो ये खाना बहुत ही पसंद करते हैं मैंने यहाँ पे घी ऐड किया इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मैं इन दोनों बच्चों को दे दूँगी ये आप भी खा सकते हो मीठा खाने का कुछ मन हो रहा है तो आप ये इजीली खा सकते हो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये यहाँ पे बन रही है हमारी श्याम की चाय वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी थैंक यू फॉर वॉचिंग और यहाँ मैंने बनाया चाय अभी हम श्याम का चाय पियेंगे ओके बाय बाय